बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए बीएससी पार्ट टू के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं इनकी ऑफिशियल डेट शीट जारी कर दी है। तो लिहाजा इस वीडियो में आप लोगों को डेट शीट के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। वीडियो स्किप नहीं करनी, आप लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप लोग बीए बीएससी पार्ट टू के ऑनलाइन जो पेपर होने हैं इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को कल से ऑनलाइन एग्ज़ाम के गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पेपर होगा 5 अगस्त को, और 5 अगस्त को अप्लाइड साइकोलॉजी, मैथमेटिकल कोर्सेज, इंटरनेशनल रिलेशंस और वुमेन स्टडीज़, ये 4 सब्जेक्ट्स के पेपर्स 5 अगस्त को लिए जाएंगे। इसके बाद 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त को स्टूडेंट्स होगा जर्मन का पेपर और पंजाबी का पेपर। इसके बाद 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त को स्टूडेंट्स ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं इनके पेपर लिए जाएंगे। इसमें एस्ट्रोनॉमी है, होम इकोनॉमिक्स है, कश्मीरियात हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सोशल वर्क, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी और उर्दू सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद पर्शियन का पेपर होगा, पर्शियन न्यू कोर्स जो है इसका पेपर होगा, और बॉटनी बीएससी का जो सब्जेक्ट है इसका पेपर लिया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 8 अगस्त को कौन सा पेपर होगा, तो 8 अगस्त को ज्योग्राफी ग्रुप 4, इसके बाद ज्योग्राफी न्यू कोर्स, इसके बाद इस्लामिक स्टडी और अरबी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं इसका पेपर लिया जाएगा। इसके बाद 9 अगस्त शुरू है, तो 9 अगस्त को जूलॉजी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के पेपर लिए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं 10 अगस्त, तो 10 अगस्त को ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इनके पेपर लिए जाएंगे। इसके बाद पर्शियन है, पर्शियन के चारों ग्रुप्स के पेपर एक ही दिन लिए जाएंगे। इसके बाद जूलॉजी है, और इसके बाद पंजाबी ग्रुप 1 का पेपर लिया जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त है, 11 अगस्त को पर्शियन ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं इसके चारों ग्रुप्स के पेपर एक ही दिन लिए जाएंगे। इसके बाद 12 अगस्त को पेपर होगा पर्शियन ऑप्शनल का, और इसके 3 ग्रुप्स के पेपर एक ही दिन लिए जाएंगे। इसके बाद 13 अगस्त है, 13 अगस्त को फाइन आर्ट्स के ग्रुप 1 के पेपर होंगे, उसके बाद मैथ का कोर्स ए, इसके बाद मैथ्स जर्नल इसका पेपर लिया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त है, 15 अगस्त को जेनेटिक्स बीएससी का सब्जेक्ट है, और इस्लामिक स्टडी इसके चारों ग्रुप्स के पेपर लिए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट 16 अगस्त है, 16 अगस्त को बॉटनी पार्ट टू के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसके बाद 17 अगस्त है, 17 अगस्त को जूलॉजी पार्ट टू और इस्लामिक स्टडी है। इसके बाद 18 अगस्त बीएससी की जो इंग्लिश है इसके चारों ग्रुप्स के पेपर होंगे। तो 19 अगस्त को स्टूडेंट्स पेपर होगा बीएससी इंग्लिश, जो 3 ग्रुप्स हैं इनके पेपर होंगे। इसके बाद सोशियोलॉजी है, फ्रेंच है और इटालियन, तुर्किश वगैरह, म्यूज़िक वगैरह जो सब्जेक्ट हैं इनके पेपर लिए जाएंगे। इसके बाद 20 अगस्त, तो 20 अगस्त को इंग्लिश लैंग्वेज जो कंपलसरी सब्जेक्ट है बीए इंग्लिश का, तो इसके चारों ग्रुप्स के पेपर लिए जाएंगे। इसके बाद 21 अगस्त को इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी, इसके बाकी जो 4 ग्रुप्स हैं इनके पेपर होंगे। इसके बाद 22 अगस्त, इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट टू के जो सब्जेक्ट्स हैं इसका पेपर होगा, और 23 अगस्त को केमिस्ट्री बीएससी के जो सब्जेक्ट्स है। इसके बाद 24 अगस्त इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी, इसके चारों जो ग्रुप्स हैं इसके पेपर लिए जाएंगे। 25 अगस्त को इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। इसके बाद 26 अगस्त कंप्यूटर साइंस, और इसके बाद कश्मीरियात का पेपर होगा। इसके बाद है 27 अगस्त, तो 27 अगस्त को फिलॉसफी, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। 31 अगस्त को केमिस्ट्री, अरबी और हिस्ट्री का पेपर होगा, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके बाद 1 सितंबर आ जाएगा, और 1 सितंबर को बायोकेमिस्ट्री, स्टैट और जर्नलिज्म का पेपर है। इसके बाद है 2 सितंबर को उर्दू, सोशल वर्क, फिजिक्स,
लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इसका पेपर होगा। इसके बाद 3 सितंबर को माइक्रोबायोलॉजी एजुकेशन इनके पेपर होंगे और 4 सितंबर को आखिरी पेपर है बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन जेनेटिक्स और स्पेस साइंसेस के बाद असेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनका आखिरी मतलब 4 सितंबर को पेपर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर कितने कितने मिनट का और कितने ग्रुप्स में होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे नोट लिखा हुआ है एक कि जितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे इनके 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं और हर जो ग्रुप है इसका ड्यूरेशन होगा 1.5 घंटा। तो पहला जो ग्रुप है ये 8:30 बजे शुरू होगा और 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक इसका टाइम होगा। दूसरा ग्रुप 11 से 12 बजे तक होगा। तीसरा ग्रुप 2 से 3 बजे तक का होगा और चौथा ग्रुप होगा 4:30 से 6 बजे तक। और नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक के जो सब्जेक्ट्स हैं इनका पेपर सिर्फ 45 मिनट का लिया जाएगा और इसमें एमसीक्यूज़ कितने होंगे ये आप लोगों को नेक्स्ट एक वीडियो में गाइड करूँगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी किस्म का कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह।